Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर न तो राम है और न रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र अजय योद्धा थे, जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। यह तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरे के दम्भ तोड़ने की हजारों कथाएं हैं, लेकिन आज हम पुराने के माध्यम से ऐसी घटना को लेकर आए हैं जब हनुमान जी को किसी भी युद्ध में पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि एक राम भक्त ही था। तो कौन था वो योद्धा जिसने हनुमान जी को हरा दिया और उस युद्ध का इस पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा? ये कालचक्र है दोस्तों। किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम से एक बहुत ही बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो भगवान राम द्वारा निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ बानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी। वो जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ जी कितने बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परिभाषा और परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरम्भ की, जिससे वहाँ जोरों की बारिश होने लगी। ऐसे में बानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का संवाद करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नज़र पड़े, और वही हुआ। मच्छिंद्रनाथ ने तुरंत सामने पत्थर को टोने की चेष्टा करते हुए उस बानर से कहा, हे बानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता, इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए। ये सुनते ही बानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं का परिभाषा दिया, परिचय बताया, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपने शक्ति का कुछ प्रतिशत हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाइए, तभी मैं आपके तपोबल का सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी न कहें। यह सब सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने उस बानर को चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई। हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके कई बड़े पर्वत फेंके। इन पर पर्वतों को अपने तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़े पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिससे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उन पानी को बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी के शरीर में अजीब सी हलचल हुई और एकदम से स्थिर हो गया। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छीन हो गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देखकर उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, मैं आपको भलीभांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को माफ कर दिया। News room से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.